वेलकम दोस्तों। भारत और चाइना के बीच पिछले कई दिनों से काफी विवाद चल रहा है, जिसकी वजह यह है कि चाइनीज फौजें जो हैं वो भारत में तीन जगह से दाखिल हुई है। एक आपका कोंका पास है, दूसरा गैलवन रिवर और तीसरा पेंगोंग लेक है लद्दाख में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में लद्दाख के पेंगोंग लेक के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या वहां पर जमीनी वजह है जिसकी बिना पर दोनों देशों के बीच में ये तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, जहां हमारे देश के 20 जवान शहीद भी हो गए हैं। दोस्तों LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो रेखा जब खींची गई वो चौड़े निब वाले स्केच पेन से एक छोटे से नक्शे पर खींची गई, जो ग्राउंड पे एक चौड़ी पट्टी की शक्ल में आ गई। यानी कि जो रेखा खींची गई, जो लकीर बनाई गई, वो लकीर ग्राउंड पे जमीनी स्तर पे उस लकीर की जो पैमाइश थी वो 4 से 6 किलोमीटर तक की हो गई। जैसे आप समझ सकते हैं जो उस छोटे से नक्शे पर जो लाइन खींची गई थी वो इस तरह की हो गई, वो लाइन जो है इस तरह की चौड़ी पट्टी बन गई। इस बीच का जितना हिस्सा है वो जो जमीनी पैमाइश के हिसाब से 4 से 6 किलोमीटर का ये फासला हो गया दोनों लाइन के बीच में। अब विवाद इस बात पर है कि चाइना कहता है कि हमारी जो टेरिटरी है यानी जमीनी हिस्सा है वो इस बिंदु से लेकर इस आखिरी बिंदु तक है, और हमारी देश की जो सेना है वो पेट्रोलिंग करती चली आ रही है, और भारत ये कहता है कि हमारी जो टेरिटरी है वो इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक है और हमारी सेना इसमें पेट्रोलिंग करती रही है। दोस्तों 1993 का एक पीस एग्रीमेंट बना था जिसे कहते हैं बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, जिसमें बात आई थी, जिसमें एक मैकेनिज्म तय किया गया था कि जब भी ये दोनों देशों की सेना आपस में पेट्रोलिंग के बीच मिले तो एक दूसरे को तख्तियों के जरिए बता दे और आपसी बात से सहमति होकर वापस लौट जाएं। ये कई सालों से ऐसा चल रहा है और विवाद थोड़े बहुत वहां पे होते, हाथापाई भी वहां पे होती रही है, लेकिन अभी के हालात बहुत ही तनावपूर्ण हो गए हैं। दोस्तों ताजा रिपोर्ट के हिसाब से माने तो चाइना ने ना सिर्फ भारत के अंदर प्रवेशी किया है बल्कि वहां पर आगे एक छोटा सा अपना एक चबूतरा टाइप का जगह भी बना लिया है, और खबरों की माने तो 5,000 तक उनकी फौजें भी वहां पर आके रहने लगी है। सरकार ने 4 जून तक इस बात का इनकार किया है। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में भी कहा कि चीनी फौजें काफी तादाद में आ गई है, फिर बाद में उसी चैनल ने इस बात की सफाई दी कि वो देश के अंदर नहीं आई है, वो बॉर्डर तक आई है अपने। दोस्तों सवाल यहां पर यह है कि एक्चुअली परस्यूड इलाका भारत कहां तक मानता है? जहां तक हमारा इलाका है, हमारी जमीन है, क्या वहां तक चाइनीज सच में आ गई है? अगर ये आ गई है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश के करीब करीब 20 फौजियों को शहीद कर दिया गया है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। भारत को इस चीज की जवाब कूटनीति के द्वारा या फिर जो सूरत इसकी हो भारत को इसका हल निकालना होगा और हमारे जवानों की शहादत का उन्हें बदला लेना होगा। धन्यवाद।